सोचिए, आप रात में सोए हुए हैं, तभी अचानक आपको ऐसा लगे कि कोई आपके सिर के पास आकर बैठ गया है, या कोई है जो कमरे में एक ओर खड़ा होकर आपको देख रहा है, और आपको पता है कि कमरे में आपके अलावा कोई नहीं है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ किसी को एक सफ़र बहुत भारी पड़ गया, या यूँ कहूँ कि किसी ने सफ़र में प्रेत को न्योता दे दिया। वैसे एक बात कहूँ, प्रेत होते हैं या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन हमारे मानने या ना मानने से हकीकत झूठ नहीं हो जाती। पहले इंट्रो, फिर शुरू करेंगे आज की कहानी। राकेश, सौरभ और आशीष तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कि राजस्थान के कोटा शहर में रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त होने के साथ साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। ये बात है करीब 2012 के जुलाई की। गर्मियों का दिन था, तो तीनों ने सोचा कि क्यों ना इन गर्मियों में कहीं बाहर घूम के आया जाए। तो तीनों ने मिलकर मसूरी जाने का प्लान बनाया, और जिस हिसाब से राजस्थान में गर्मियाँ पड़ती हैं, उस हिसाब से शिमला या मसूरी जाना ही ठीक है। तीनों ने अपने अपने घर में मसूरी जाने की बात को लेकर चर्चा की, और घर वाले भी बोले, भाई हम तो क्या ही कहें, तुम तीनों अच्छे दोस्त हो और एक साथ काम भी करते हो, और काफ़ी वक्त हो गया तुम्हें कहीं बाहर जाकर घूमे हुए, तो अगर तुम्हारा मन है तो जाओ घूमाओ। घर वालों से तीनों को काफ़ी आराम से परमिशन मिल गई। वैसे आपको बता दूँ कि इन तीनों की उम्र करीब 26 से 30 के बीच में है। दो दिन बाद तीनों को मसूरी के लिए निकलना था, तो उस हिसाब से तीनों अपनी अपनी ज़रूरत के सामान की पैकिंग करने लगे। तीनों बहुत खुश थे, और उनका मसूरी में पूरे 5 दिन रुकने का प्लान था, लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि 5 दिन तो छोड़ो, यहाँ एक रात भी भयानक होने वाली थी, क्योंकि वहाँ कोई और भी था जिसे इनमें से किसी एक का इंतजार। अब होता क्या है कि 2 दिन बाद तीनों मसूरी के लिए चलती है। तीनों बहुत खुश थे कि बहुत दिनों बाद हम तीनों दोस्त एक साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। अगले दिन इन्हें देहरादून पहुँचते पहुँचते करीब शाम के 6 बज गए, और यहाँ से मसूरी करीब 2 से 3 घंटे का रास्ता था। लेकिन रात में ये रास्ते कुछ अलग से लगते हैं, क्योंकि ये मोड़, ये घुमावदार रास्ते रात में बहुत खतरनाक साबित होते हैं। ये लोग जब देहरादून पहुँचे, तो वहाँ इन्होंने अपना चाय नाश्ता किया और मसूरी जाने के लिए टैक्सी बुक करने का प्लान बना रहे थे। तो इनमें से राकेश ने बोला कि रात हो गई है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, पहाड़ी रास्ते हैं, तो ऐसा करते हैं आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, हम सुबह मसूरी के लिए निकल लेंगे। लेकिन राकेश की बात को इन दोनों ने ही नहीं माना, या शायद कह सकते हैं कि रास्ते में जो इनका इंतज़ार कर रहा है, वो इन्हें अपने आप तक आने के लिए मजबूर कर रहा है। राकेश के मना करने के बाद भी ये दोनों नहीं माने, तो मजबूरन राकेश को भी साथ जाना पड़ा। पहले तो इन्हें जल्दी टैक्सी नहीं मिली, क्योंकि इस रास्ते पर लोग अक्सर रात में कम ही जाना पसंद करते हैं, इसलिए टैक्सी ढूंढते ढूंढते इन्हें थोड़ी और देर हो गई। फिर इन्हें एक टैक्सी मिली, उससे इन्होंने अपने किराए भाड़े की जो भी बात है वो तय की, और अपना अपना सामान रखकर टैक्सी में आकर बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि पहाड़ी रास्ता है, तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पहाड़ों में कोहरा और धुंध भी बढ़ती जाती है, इसलिए गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलेगी। सारी बात वक्त तय होकर ये सब मसूरी के लिए निकल गए। बड़ी बड़ी घाटियाँ और ये घुमावदार रास्ते, ऊपर से ये रात का अंधेरा, तीनों के मन में हल्के हल्के डर का कारण बन रहे थे। कुछ दूर गाड़ी चली होगी कि इन्हें सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, तो इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना उतरकर यहाँ चाय पी जाए। तीनों ने गाड़ी रुकवा दी, हालांकि उन गाड़ी वाले भैया ने इन्हें मना किया कि इस वक्त इन रास्तों पे गाड़ी रुकना ठीक नहीं, लेकिन ये तीनों माने नहीं। फिर बस गाड़ी रुकते ही ये तीनों गाड़ी से बाहर आए और चाय पीते पीते अपनी इधर उधर की बातें करने लगे। गाड़ी वाले भैया बार बार घड़ी देख रहे थे और इन तीनों को जल्दी चलने को कह रहे थे, लेकिन इन तीनों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वैसे ये भी कह सकते हैं कि वो गाड़ी वाले भैया इन्हें उस वक्त से पहले मसूरी पहुंचाना चाहते थे, जिस वक्त इन रास्तों में अक्सर किसी को कोई नज़र आ जाता है।
खैर, तीनों ने चाय खत्म की और अपनी अपनी मस्ती करते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी जैसे ही उस जगह से करीब 200 मीटर कुछ दूर चली होगी कि उन्हें अचानक से एक आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर उनकी गाड़ी के नीचे आ गया हो। गाड़ी वाले भैया ने अचानक से गाड़ी रोक ली, लेकिन वो गाड़ी से उतरने से पहले इनकी ओर मुड़े और कहा कि देखिए, आप तीनों गाड़ी से मत उतरना, मैं देख कर आता हूँ। कहकर गाड़ी वाले भैया गाड़ी से बाहर उतर गए। देखिए, जो लोग रात दिन एक ही रास्तों से गुजरते हैं वो उस जगह को पहचानते हैं। अब आप और हम जैसे लोग जो कहीं घूमने जा रहे हैं, हमें ना तो वहाँ के तौर तरीके मालूम हैं ना कोई रिवाज, और ये वो लोग हैं जो रात दिन वहाँ से गुजरते हैं और उस जगह की अच्छाई बुराई दोनों को पहचानते हैं, या यूँ कहूँ कि ये रास्ते और इन रास्तों की हवाएं दोनों इन्हें पहचानती हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो गाड़ी वाले भैया जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरे तो गाड़ी के नीचे देखने लगे, गाड़ी का चक्कर लगाकर देखने लगे कि कहीं कोई जानवर गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया। वो जैसे ही गाड़ी के पीछे की ओर पहुँचे तो वहाँ रुक कर कुछ देखने लगे। इधर ये तीनों गाड़ी के अंदर बैठे अपनी इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी इन्हें एक चीखने की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई थी। ये तीनों वो आवाज़ सुनकर सहम से गए। इन्हें लगा कि कहीं गाड़ी वाले भैया किसी मुसीबत में तो नहीं, ये सोचकर तीनों गाड़ी से बाहर उतर गए। लेकिन उन ड्राइवर वाले भैया ने कहा था कि गाड़ी से नीचे मत उतरना। तीनों को गाड़ी से बाहर देख गाड़ी के पीछे से वो भैया आए और कहा, अरे आप लोग बाहर क्यों उतरे? उन्होंने कहा कि अरे हमें बहुत तेज़ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो हमें लगा कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब यहाँ गाड़ी वाले भैया भी क्या करते। उन्होंने कहा, हाँ सब ठीक है, कहते हुए उन्होंने गाड़ी के चक्कों की ओर इशारा किया। चक्कों पर लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ था और वहीं पास में कुछ नींबू के टुकड़े थे। उन तीनों ने पूछा कि ये क्या है? टैक्सी वाले भैया ने बिना कुछ कहे गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और गाड़ी के चक्कों पर पानी डालने लगे और उन्हें साफ किया और गाड़ी के आगे भी थोड़ा सा पानी वगैरह गिराने लगे। उसके बाद सब गाड़ी के अंदर बैठे और उस जगह से जल्दी निकल गए। यहाँ से मसूरी करीब 1 घंटे की दूरी पर था और रात के करीब 10 बज रहे थे। अंधेरा पहले से काफ़ी ज़्यादा गहरा था। चलती गाड़ी में आशीष ने गाड़ी वाले भैया से पूछा कि भैया वो सब क्या था और वो आवाज़ किसकी थी? गाड़ी वाले भैया ने कहा कि आपने कभी टोटके के बारे में सुना है? ये वही था और इसलिए मैं यहाँ जल्दी रुकना पसंद नहीं करता। आशीष ने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। तभी राकेश ने धीरे से कहा, होता है, प्रेत होते हैं। राकेश ने जब इस तरह से कहा तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी थी और हाँ, कह सकते हैं कि ये आवाज़ थोड़ी डरावनी भी थी। ये सुनते ही गाड़ी वाले भैया ने कहा, देखो भैया, आप नहीं मानते मत मानो, लेकिन इन सब बातों को लेकर मजाक नहीं करते, और देखो मुझे डर लगता है तो प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करो मेरे सामने। सौरभ और आशीष को भी राकेश का ये बर्ताव थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सफ़र की थकान और ऊपर से ये एकदम से इतना ठंडा मौसम, तो हो सकता है थोड़ा गला वगैरह ख़राब हो गया हो। इस बात पर दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। राकेश सो रहा था या बस सिर नीचे करके बैठा था, पता नहीं, लेकिन आशीष और सौरभ दोनों आपस में ही ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और गाड़ी में भी काफ़ी अंधेरा था। गाड़ी वाले भैया भी सिर्फ सामने ही ध्यान देकर गाड़ी चला रहे थे। तभी सौरभ ने नोटिस किया कि क्या हमारी गाड़ी बार बार उसी जगह घूम रही है जहाँ हमारी गाड़ी के नीचे वो टोटका आया था, या ये सिर्फ हमारे आंखों का, हमारे मन का वहम है। सौरभ ने इस बारे में आशीष को बताया और आशीष ने जब ये देखा तो हाँ, उसे भी थोड़ा ऐसा ही लगा। ये दोनों इस बारे में आपस में धीरे धीरे बात कर ही रहे थे तभी गाड़ी में किसी के दांत भिचभिचाने की, हंसने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत धीरे थी लेकिन इन दोनों को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। इन्हें लगा कि राकेश हंस रहा है, इसलिए जब इन्होंने राकेश को देखा तो हाँ, राकेश सो रहा है, लेकिन हंसने की आवाज़ इन दोनों को लगातार आ रही है और इन दोनों के बहुत करीब से आ रही है। दोनों ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप
बस गाड़ी में अपनी जगह बैठे रहे। कुछ देर बाद करीब रात के 12 बजे के करीब ये लोग मसूरी पहुंच गए। मसूरी पहुंचकर तीनों अपने होटल पहुंचे जो इन्होंने होटल बुक किया था। वहां उतरे और अपना अपना सामान लेकर टैक्सी वाले भैया को शुक्रिया कहकर उनके जितने पैसे बने वो पैसे देकर अपने होटल के अंदर जाने लगे। राकेश जब चल रहा था तो हाँ, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा झुक कर चल रहा है और उसका सिर नीचे ही है। वो जब से गाड़ी में बैठा है तब से उसका सिर थोड़ा सा नीचे ही है, उसने सामने देखा नहीं। और ये बात किसी और ने नहीं, गाड़ी वाले भैया ने नोटिस कर ली। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हाँ, इसके साथ कुछ ना कुछ समस्या तो हुई है। उन्होंने आशीष को बुलाया और कहा कि भैया ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत हो या रात में अजीब लगे या कोई भी दिक्कत हो या मदद की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। ये बात आशीष को समझ नहीं आई, लेकिन हाँ, उसने गाड़ी वाले भैया के नंबर ले लिए। सब होटल में अपने कमरे में आ गए और अपना खाना वाना खाकर इतने लंबे सफ़र से थके हुए थे तो सब जल्दी ही सो गए। इन सब में राकेश ने ज़्यादा बात नहीं की और ज़्यादातर सवालों के जवाब उसने बस हाँ करके ही दिए। थके हुए थे तो सबको नींद भी जल्दी आ गई, सब सो गए। करीब रात के 3 से 3:15 बजे का वक्त हुआ होगा कि आशीष की आँख खुली। उसने देखा कि राकेश सामने की खिड़की के पास सिर झुकाए खड़ा है और किसी से कुछ बातें कर रहा है। कमरे में शांति थी इसलिए हल्की सी फुसफुसाने की आवाज़ तो आ रही थी। आशीष को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा और थोड़ा डर भी। आशीष ने सौरभ को उठाया और कहा कि राकेश को देख, वो क्या कर रहा है। सौरभ अभी नींद में था तो उसने बस ऐसे ही कह दिया कि वो कुछ नहीं कर रहा, तू सो जा। लेकिन आशीष ने कहा कि अरे उठकर देखना, वो राकेश थोड़ी अजीब सी हरकत कर रहा है। तो सौरभ ने बिना उठे ही कहा कि भाई तू सो जा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, राकेश तो मेरे पास सोया हुआ है, तूने किसे देख लिया। इतना सुनकर जैसे ही आशीष ने पीछे मुड़कर खिड़की पर देखा तो हाँ, वहाँ कोई नहीं खड़ा था, राकेश तो उसके पास में सोया हुआ है। देखो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में हुआ होगा और ये संभव नहीं कि राकेश आशीष के सामने से आकर दूसरी ओर सो जाए। अगर राकेश सो रहा है तो वो जो खिड़की पर था वो कौन था, और अगर खिड़की पर राकेश था तो यहाँ जो इनके पास में सोया हुआ है ये कौन है। आशीष को यहाँ से थोड़ा डर लगने लगा, उसे घबराहट होने लगी और उसे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ हम तीनों के अलावा कोई और भी है। तभी आशीष ने महसूस किया कि उसके सिर के पास कोई आकर बैठ गया। यहाँ आशीष की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुड़कर देख ले, लेकिन मन में था कि एक बार पलटकर देखे तो सही। आशीष धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ना शुरू हुआ। पहली झलक में आशीष ने पहली बार प्रेत को देखा। डर के मारे मसूरी की सर्द रातों में पसीने छूट रहे थे। ना वो मदद के लिए सौरभ को आवाज़ दे पा रहा था और ना वो अपनी जगह से हिल पा रहा था। इसी बीच खानों के पास एक आवाज़ आई, प्रेत सच में होते हैं। भयानक और रूह कपा देने वाली वो हंसी, आशीष चिल्ला दिया। आशीष की आवाज़ सुनकर सौरभ भी उठ गया और होटल के कुछ स्टाफ थे जो वहाँ मौजूद थे वो भी आ गए। सब ने आशीष से पूछा तो आशीष ने पूरी बात बताई, लेकिन वहाँ मौजूद किसी इंसान ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। सब ने कहा कि सफ़र की वजह से थके हुए हो और इसलिए तुम्हें डरावना सपना आया होगा। कोई भूत प्रेत नहीं होते, सो जाओ, सुबह के 4 बज रहे हैं। जब सौरभ ने यह आशीष से कहा था तब राकेश उस वक्त दांत बिचबिचाते हुए गुस्से में सौरभ की ओर देख रहा था। जाहिर सी बात है कि जो आपके बीच है उसे वहाँ होने से आप एकदम से नकार दो तो किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा, फिर वो तो प्रेत है। और अब प्रेत के होने का एहसास सौरभ को होने वाला है। ये तो बस शुरुआत थी, अगली रात इससे भी भयानक होने वाली है। क्या हुआ इससे आगे बताएंगे इस कहानी के अगले भाग में। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।